दलित समाज से आते थे और उचित धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज किया गया? मैंने बातचीत किया है उनसे और मुझे विश्वास है कि पुलिस ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके लिए संकट पैदा हो। बीजेपी कार्यकर्ता पंकज पासवान को पिछले दिनों कुछ माफियाओं ने, कुछ हिस्ट्री शीटरों ने ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। अभी ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, इनका ऑपरेशन हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से स्वस्थ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल अपने कार्यकर्ता से मिलने आए थे और इनसे बात किए हैं, आधे घंटे का समय दिए हैं, पूरी तरह से कानून के पहलुओं पर भी चर्चा किए हैं। डॉक्टर साहब आपसे मिले हैं, मुलाकात हुई है, क्या कहें उन्होंने, क्या लगता है? हमें डॉक्टर साहब पर पूरा विश्वास है और उन्होंने कहा है कि अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। क्या घटना हुई थी आपके साथ उस दिन, किस तरह से आपके ऊपर हमला हुआ था? घटना नंदा नगर छावनी क्रॉसिंग बंद था, हम वहीं पर खड़े थे। 15 मिनट बाद क्या नाम है श्याम यादव, उसके भाई राम, ये सब आए, मनोज उसका छोटा भाई था राहुल, और उसके साथ 4-5 लोग थे, रमन था, और हमला कर दिए सब और बहुत इतना मार दिए कि मैं बेहोश हो गया था, मुझे तो सदर में होश आया। और उसके बाद अभी तक कोई पुलिस रिपोर्ट वो नहीं करने आई है, बयान लेने के क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, किस चीज से आपके ऊपर हमला हुआ था? अब डंडा लिए थे सब और राड उड लिए थे सब, हम तो बाइक पे, हमें बिल्कुल पता नहीं चला, इतना तेजी में सब हमला कर रहे थे सब। पुलिस प्रशासन के लोग आपसे मिलने आए, आपका बयान दर्ज किए, कभी कोई मिलने आया? हम थाने के एसओ साहब आए थे, पूछ पूछ कर गए, मगर हम बयान जो दिए अभी तक ना कोई धारा उसमें ना बढ़ा ना घटा, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके पहले भी उन लोग का आचरण आपके प्रति कैसा था? उन लोग का आचरण हमेशा क्या नाम है हमारे प्रति गलती था, क्योंकि वो लोग भाई पार्टी, उनका दूसरा विचारधारा, हमारा दूसरा विचारधारा, चुनाव में वो हार के कारण और भी बौखला गए हैं सब। इसके पहले कोई विवाद था या चुनावी रंजिश थी? बस चुनावी रंजिश ही थी। क्या घटना घटी थी चुनाव में, किस तरह के लोग कार्य कर रहे हैं आपके साथ? चुनाव में ये था कि हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं और वो सपा के हैं, तो हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर जीता दिए, यही उनको आशा है और क्या। तो तभी से चुनावी रंजिश चल रही थी? हाँ, तब से 4-5 महीने से चल रही थी। अब मुझे तो पता नहीं था कि सब हमला कर देंगे मेरे ऊपर। बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल आज अपने कार्यकर्ता से मिलने आए हैं। आपको बता दें नंदानगर में कुछ माफियाओं के द्वारा इनके ऊपर हमला कर दिया गया था कुछ दिन पहले, जो पूरी तरह से जख्मी हो गए थे, इनको होश भी नहीं था, हॉस्पिटल जाने के बाद होश आया, इन्होंने हमारे कैमरे पर सारी बातें बताई। आपको बता दें कि पहले से ये आदमी हिस्ट्री शीटर है, कई मामले इनके ऊपर दर्ज है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए थाने की पुलिस के सवाल ये निशान ये खड़ा हो रहा है कि पहले से जब मुकदमा दर्ज है, नामजद एफ आई आर है, तो फिर दो व्यक्ति जो खुलेआम घूम रहे उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? हालांकि जब हमने बीजेपी के नेता बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने उच्च अधिकारियों से बात किया है, बहुत जल्द उस पर कठोर कार्रवाई की। कार्यकर्ताओं के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, आज अब उस पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत दुखद है और गोरखपुर की पुलिस के लिए चुनौती है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, बहुत मेहनती कार्यकर्ता है और हर चुनाव में, हर कार्यक्रम में बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है। इसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, शुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता है और इसको आपराधिक इतिहास के लोगों ने मारने का काम किया है, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कानून के साथ चलते हैं, उनके भी धैर्य की एक सीमा है, उधर की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। पुलिस देखा जाए तो कई लोग अभी बाहर हैं, एक को सिर्फ गिरफ्तार कर पाई, इनका कहना है कि उचित कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, अभी तक जो है कोई इनका बयान लेने तक घर पे नहीं आया पुलिस का। हाँ, मुझे ये जानकारी है कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, मुझे ये भी जानकारी है कि जिन लोगों ने ये काम करवाया है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और मैं ये भी जानता हूँ कि अभी तक इनकी बयान तक नहीं लिए गए। मैंने SSP महोदय को बातचीत करके सब बताया है, मुझे विश्वास है कि SSP जितनी भी कानून और विधि सम्मत कार्रवाइयाँ हैं, हम लोग पुलिस पर दबाव देके कोई काम नहीं करा, अपराध अपराध है, अपराध को डील करने के लिए पुलिस की अपनी धाराएं होती हैं, IPC होता है, CRPC होता है, तो जो विधिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के सम्मत विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। पुराना हिस्ट्री शीटर भी है और बीजेपी के सरकार में भी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहा है, तो कहीं ये लग रहा है कि पुलिस का डर लोगों में नहीं रह गया है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि पुराना उसने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है, वर्तमान में बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ उसने क्या किया है मेरी आँख के सामने है,
और मैं समझता हूं कि पुलिस अधिकारी बहुत तेजी से काम करेंगे और जो भी विधि सम्मत न्याय सम्मत प्रक्रिया है कार्यवाही हो सकती होनी चाहिए। देर भी आई है तो कोई बात नहीं, दुरुस्त तो आएगी। दलित समाज से आते थे और उचित धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। मैंने बातचीत किया है उनसे और मुझे विश्वास है कि पुलिस ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके लिए संकट पैदा हो। आपके लड़के साहब के साथ? हमारे लड़के के साथ बाबू घटना घटी थी, आ रहा था घर पर, उन लोगों के 4-5 लोग मिलकर हमारे बच्चे को मारकर फेंक दिए थे। कौन कौन थे वो लोग, क्या नाम था? श्याम यादव था, मनोज यादव था, राहुल यादव था और रमन पासवान थे, अन्य दो लोग और थे। ये बताइए कि पहले से कोई विवाद था, क्या कारण था कि उन लोगों ने आपके बच्चे के ऊपर हमला किया? कोई विवाद नहीं, हम लोग के घर परिवार से नहीं था बाबू, यही विवाद था। जब से इलेक्शन से वो हारे हैं तब से मेरे बच्चे के ऊपर हाथ गोड़ धो कर पड़ गए हैं और वही विवाद लेकर ये मार कर खुद के मुंह जान को फेंक दिए। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या? हम यही चाहते हैं बाबू, कड़ी से कड़ी उनकी सजा मिले, कड़ी से कड़ी कोई बच्चे के साथ फिर अनर्गल ना कर पाए, प्रशासन कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दे। अभी वो लोग क्या, उसके बाद से कभी आप मुलाकात हुई कहीं आप? हम लोग से, हम तो जब से बच्चे को मार के मेरे डॉक्टरी में थे, हम आकर उसकी माँ गाली दे रही हैं कि घर फुकवा देंगे, घर तोड़वा देंगे, इन लोग के रहने नहीं देंगे हम। किसकी माँ? वो श्याम राम का। आपके घर पे दरवाजे पे? दरवाजे पर, हमारा गेट बंद था, हमारे दो बच्ची घर में थे, हम हॉस्पिटल थे। पुलिस को इन्फॉर्म किए उसके बाद? नहीं बाबू, हम कुछ, हम कहाँ कहाँ जाए, हम बच्चे के लग जाए, घर आए बच्चे के लग जाए, इसीलिए तो ये लोग गुंडागर्दी राजदम लगा दिए हैं।